कंगना रनौत की तेजस का पहले ही दिन हुआ बुरा हाल। ओपनिंग डे की कमाई सुन पकड़ लेंगे माथा। ना काम आई किंग खान की ट्रेनिंग और ना ही भाजपा की स्क्रीनिंग, हो गया बंटाधार। लगातार फ्लॉप हो रही है कंगना की फिल्में, क्या है कारण, अभिनय या बीजेपी से नजदीकी? बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भले ही अपनी फिल्म तेजस का जमकर प्रमोशन किया हो, लेकिन यह मूवी दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई है। कंगना की फिल्म तेजस 27 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में कंगना ने एयरफोर्स ऑफिसर का किरदार निभाया है। इस फिल्म को लेकर काफी समय पहले से ही कई तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन मूवी के रिलीज होने के बाद ये लोगों के दिलो दिमाग पर कोई असर नहीं छोड़ पाई। इस फिल्म का पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हो गया। फिल्म की लीड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मूवी का जमकर प्रमोशन किया था। इस मूवी के चलते इस बार दशहरे पर दिल्ली के फेमस लव कुश रामलीला में रावण दहन करने भी पहुंची थी। 50 साल में पहली बार किसी महिला के हाथों रावण दहन हुआ, लेकिन तेजस का इतना प्रमोशन करने के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई। तेजस को फिल्म क्रिटिक्स के साथ साथ आम लोगों ने भी पसंद नहीं किया। बहुत ही कम लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों तक पहुंचे। फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी सामने आ गया, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि तेजस लोगों की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी। आपको बता दें कि सैक्नल की रिपोर्ट के मुताबिक तेजस ने पहले दिन 1,25,00,000 का कलेक्शन किया, जो कि उम्मीद से बहुत कम है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस भारत में 1300 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी बहुत कम हुई थी। हालांकि वीकेंड पर फिल्म की कमाई में कुछ असर पड़ सकता है। फिल्म तेजस में कंगना रनौत के साथ अंशुल चौहान, वरुण मिश्रा, आशीष विद्यार्थी और विशाक नायर भी नजर आए। हालांकि कंगना का जोश और देशभक्ति लोगों के दिल में उनके लिए प्यार नहीं जगा पाई। दरअसल प्रचार के दौरान कंगना ने बहुत कुछ किया। इसी दौरान तेजस को भाजपा से जोड़ने की कोशिश भी की गई। दरअसल साल 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस विमान का नामांकन किया था, जिसका नाम तेजस था। इसी पर आधारित कंगना रनौत की ये फिल्म बनाई गई। फिल्म में विमान की खूबियों को बेहतरीन तरीके से पेश किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले और बेहतर किया जा सकता था। इस फिल्म को सर्वेश मेवाड़ा ने लिखा है और उन्होंने ही इसे निर्देशित किया है। फिल्म के ओपनिंग शॉट से विंग कमांडर तेजस गिल से परिचय कराया जाता है। वो निर्देशों का पालन न करते हुए अपनी जान को जोखिम में डालती हैं और निषिद्ध घोषित द्वीप में अपने साथी की जान बचाती हैं। साथ ही फिल्म में प्रख्यात गायक एकवीर के साथ उनकी प्रेम कहानी को भी दिखाया गया है। यहाँ पर एक सवाल लगातार ये भी उठ रहा है कि कंगना रनौत की लगातार मूवीज फ्लॉप हो रही हैं, इसका कारण क्या है, अभिनय या फिर भाजपा से काफी नजदीक होती उनकी नजदीकियाँ? फिलहाल ये कंगना खुद ही बता सकती हैं कि उनकी असफलता के कारण क्या हैं। आपको मूवी पसंद आई कि नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।